हम जी की वैल्यू 9 पॉइंट कंसिडर करते हैं और ये 9.8 ली जाती है अर्थ सरफेस पर। पूरी अर्थ के ज्यादातर पार्ट में जी की वैल्यू 9.8 ही है। बिल्कुल अगर आप एक्सट्रीमली बिल्कुल पोल्स पर पहुंच जाए तो वहां जी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इक्वेटर पर आप पहुंच जाए एग्जैक्टली इक्वेटर पर तो जी की वैल्यू इससे थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम होती है, लगभग नहीं के बराबर। तो इसलिए लगभग हर जगह पूरी अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 ही ले ली जाती है, जबकि थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होता है। लेकिन अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएं तो जी की वैल्यू अब 9.8 नहीं रहती, जी की वैल्यू घटने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे आप अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाते रहेंगे जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू उतनी ही घटती चली जाएगी। और ठीक इसी तरह आप कुआं खोद के नीचे उतरने लगो अर्थ सरफेस की तरफ को, अर्थ के सेंटर की तरफ को, तो भी जी की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। सरफेस पर ही सबसे ज्यादा है, सरफेस से ऊपर जाओगे तो घटेगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, करेक्ट। तो दोनों हम स्टडी करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे एक एक करके कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर कैसे डिक्रीज होता है और अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर कैसे होता है। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाइट अगर बढ़ा दें अर्थ सरफेस से तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे समझना, बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी अर्थ, ओके, अर्थ का कहीं अपना सेंटर है सी, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। क्या है ये, रेडियस ऑफ द अर्थ, सेंटर सी है, रेडियस ऑफ द अर्थ है इसका। अब यहां बॉडी आपकी रखी हुई है, मास ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ तो आ रही है, मास ऑफ द अर्थ एम ई, और जो बॉडी आपने इसके सरफेस पर रखी हुई इसकी, इसका क्या है, एम, मास ऑफ द बॉडी एम, ठीक है। अब व्हेन द बॉडी इज एट सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर है, तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एम जी इक्वल्स जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ बॉडी, और वेट कितना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये तो अर्थ सरफेस पर आई। अब आप यहां अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर चले गए, कितनी ऊंचाई पर चले गए, अर्थ सरफेस से एच ऊंचाई पर चले गए, यही बॉडी आपने यहां पहुंचा दी एच ऊंचाई पर। तो अब देखिए जरा ध्यान से, आपका, आपकी इस बॉडी का सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस हो गया, अब हो गया आर ई प्लस एच, ठीक है। अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जी, तो फिर एट द हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वहां जी की वैल्यू है जी डैश, जी नहीं है, क्या है, बल्कि जी डैश है। तो फिर जी एम ई एम, लेकिन इस बार अर्थ सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है। आप टू को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन टू को डिवाइड कर दीजिए किससे, इक्वेशन नंबर वन से, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचना है, जी डैश बाई जी, क्या बचना है, जी डैश बाई जी, ये सब कैंसिल हो गए, क्या बचेगा बताओ, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये मैं उल्टा लिख रहा हूं, अरे देखो जी डैश के अपॉन में है ना, ये जी डैश का रेसिप्रोकल में है, रेसिप्रोकल में है, दोनों पे स्क्वायर था, मैंने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या बचा, देखिए जी डैश इक्वल्स जी इंटू
आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हाँ एम जी डैश। इसमें आप देखिए ध्यान से, जी को आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर से। अच्छा इसके बारे में क्या कह सकते हो कि आर ई अपॉन आर ई प्लस एच क्या है, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच क्या है, लेस देन वन, क्योंकि आर ई को आपने डिवाइड करना है लार्जर देन आर ई से। भाई आर ई की वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू 50, 50 में 2 जोड़ दिया तो 50 को 52 से 52 से डिवाइड कर रहे हो, आंसर क्या आएगा, 0 समथिंग आएगा, लेस देन वन, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जी डैश की वैल्यू कम आएगी, किससे, जी से। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर उठते रहेंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा। अगर आप पहुंच जाएं एग्जैक्टली उतनी ऊंचाई पर जितनी अर्थ की रेडियस है, ये हाइट कितनी ले ली आपने, उतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जितनी अर्थ की रेडियस है, तो क्या होगा, एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो h की वैल्यू कितनी लोगे, r e, जरा रखना तो इस फॉर्मूले में, g डैश इक्वल जी आर ई अपॉन आर ई प्लस का होल स्क्वायर g 1/2 का होल स्क्वायर, g डैश इक्वल 1/4 g, कितना रह जाएगा, वहां उतनी ऊंचाई पर पहुंचकर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू जितनी हमारे यहाँ अर्थ सरफेस पर है इससे 1/4 रह जाएगी। कब, जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितनी ऊंचाई पर, जितनी अर्थ की रेडियस है। क्विकली कौन आंसर देगा, अगर आप 2r हाइट पर पहुंच जाए तो कितना रह जाएगा, क्विक 2r हाइट पर पहुंच जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1/9 रह जाएगी, 1/3 आएगा ना, पर 1/3 का स्क्वायर, क्लियर है बात, कीजिए इसे यहां तक। इसकी हेडिंग है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विद द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर 9.8, अगर अर्थ सरफेस से आप ऊंचाई पर चले गए रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो 9.8 का 1/4 g/4 रह गया, और अगर 2r के बराबर ऊंचाई पर चले गए तो g/9, 3r के बराबर ऊंचाई पर चले गए तो कितना होगा, कितना, g/16। जितना ज्यादा दूर आप जाते रहेंगे g की वैल्यू उतनी ही कम होती रहेगी। क्या कभी जीरो भी हो जाएगी, क्या कभी जीरो भी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पर पहुंचकर। जी की वैल्यू जीरो कब होगी, इन्फिनिटी पर होगी, कैसे होगी, देखो ध्यान से, इन्फिनिटी कहां से निकल कर आएगा, अब देखिए ध्यान से, आपके फॉर्मूले में है जी डैश इक्वल जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फिगर्स, जिसमें से एक तो है आपके पास क्या, जी डैश की वैल्यू दो फिगर्स की मल्टीप्लीकेशन है, एक तो जी और दूसरा ये, जी डैश जीरो होने के लिए इन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना चाहिए कम से कम, अगर किन्हीं दो का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो सर्टेनली एक जीरो हो सकता, दोनों भी जीरो हो सकते हैं लेकिन एक तो कम से कम जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या कभी जी की वैल्यू जीरो होती है, कभी नहीं, फॉर जी डैश टू बी जीरो, जी तो जीरो है ही नहीं क्योंकि हमने अर्थ सरफेस पर लिया हुआ इसको, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आपका आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर क्या हो, जीरो, और जीरो होने का मतलब ये सर्टेन आर ई है, आर ई तो जीरो है नहीं कभी भी, तो फिर क्या हो, इस पूरे को जीरो होने के लिए नीचे कितना होना चाहिए, नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए नीचे, हेंस आर ई प्लस एच मस्ट बी क्या, मस्ट बी इन्फिनिटी। तो टोटल डिस्टेंस अर्थ की सरफेस सेंटर से, जब आप अर्थ सेंटर से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंचकर
आपके जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जी डैश इफेक्टिवली। वरना आप इनफाइनाइट से पहले कभी अगर हैं तो जी की वैल्यू वहाँ जीरो नहीं होगा। समझ आई बात? जो हम अक्सर कहते हैं कि स्पेस में पहुँच कर ग्रेविटी ख़त्म हो गई, वो नहीं होती ख़त्म, वो ख़त्म नहीं होती है, कम ज़रूर हो जाएगी लेकिन वो हमें फील नहीं होता। फील क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का कोई काउंटर पार्ट वहाँ मिल जाता है। यह सिंपल सी बात है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का सारा यूज़ हो गया कहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट, नेट फोर्स जीरो। लेकिन है फोर्स है वहाँ ग्रेविटेशनल की, किसी और फोर्स ने उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। ठीक है, कर लीजिए इसे भी। और इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, क्या? द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अभी हमने देखिए ये एच लिया, एच कहां से लिया हुआ है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस बॉडी की कितने ले ली थी, रेडियस ऑफ अर्थ में जोड़ दिया एच। करेक्ट, आपने देखा कि जब h की वैल्यू आ रही के बराबर है तो यहां पहुंचकर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक चौथाई रह जाएगा। करेक्ट, यहां इस पूरे कैलकुलेशन में जो हमने कैलकुलेशन किया है, यहां h की वैल्यू कंसिडरेबली लार्ज है। रेडियस ऑफ अर्थ पता कितना आपको, 64,000 किलोमीटर। तो h की वैल्यू 64,000 नहीं है, तो इससे थोड़ी बहुत कम है या इससे ज्यादा है, काफी बड़ी है। अगर आप बहुत छोटी सी ऊंचाई पर जाएं, हमारी जो नॉर्मल हाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मल हाइट कितनी है हमारी, हम यहाँ हम अपने मेरठ में तो बिल्कुल अर्थ सरफेस पर हैं, सी लेवल पर हैं, है ना। पहाड़ों पे चले जाओ, मसूरी गन हिल 1750 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल 1.25 किलोमीटर पर। तो जब आप इतनी छोटी सी हाइट ऊपर जा रहे हैं जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तो क्या वेरिएशन होगा? एच की वैल्यू जब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो तो फिर कैसा वेरिएशन होगा? सिंपल बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे हम। करेक्ट, अभी आपने फॉर्मूला क्या बनाया, आपने फॉर्मूला बनाया अभी, जी डैश इक्वल्स जी आर ई बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। करेक्ट, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे? जी इस पूरी की पूरी रेशियो को रेसिप्रोकल कर लूं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टू। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर ई अपॉन वन कितना बन जाएगा, आर होल पावर माइनस टू। ठीक है, वही बात है, सेम चीज है, बस अलग अलग करते चलेगा। आर ई अपॉन आर ई तो हो गया वन, और बचा आगे क्या, आर ई एच अपॉन आर ई। करेक्ट, अब इसी में देखते हैं, व्हेन एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर ई, एच की वैल्यू क्या हो, बहुत छोटा हो, मतलब एच ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलोमीटर, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक की अगर बात है, तब इस फॉर्मूले में कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट के अंदर यहां वन लगा हुआ है, एच की वैल्यू बहुत छोटी आ रही से, ये पूरी की पूरी फिगर कैसी होगी आपकी, लेस देन वन होगी, लेस देन वन होगी ना, नहीं जीरो नहीं है, लेस देन वन है। और हम याद कीजिए, पीछे पहले भी यूज कर चुके हैं, इसको ओपन कर दे बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करा पीछे, नहीं किया था एक बार डायमेंशन वाले उसमें, या जो फ्रैक्शनल एरर थी वहां हमने यूज किया था। तो ओपनिंग बाय बायनोमियल थ्योरम एंड रिजेक्टिंग हायर पावर्स, हायर पावर आपने रिजेक्ट कर दी यहां से, तो जी डैश इक्वल्स कितना निकल कर आएगा, जी वन प्लस, जब आप बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या था, जो भी पावर है वो इसके सबके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। हालांकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, सम्राट अशोक से भी जमाने पहले की बातें हैं,
अब चल रहा टाइम मोदी जी का, तो उस समय की बात कैसे याद रहेगी। माइनस टू की मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने एच अपॉन आर ई में, इसके बाद भी आया करता है और लेकिन उसे हायर पावर्स को हम छोड़ देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, वन माइनस टू एच अपॉन आर ई मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है केवल कब एप्लीकेबल है, फॉर्मूला केवल तब एप्लीकेबल है जब h की वैल्यू इस re के कंपैरिजन में बहुत कम है, कुछ ही किलोमीटर तक है, दो चार पाँच सात किलोमीटर तक। लेकिन इस फॉर्मूले में h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दो चार किलोमीटर के लिए भी एप्लीकेबल है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो, हजार किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, ये फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला हमने कैसा बनाया, जो एप्लीकेबल है ओनली वेन एच इज मच स्मॉलर देन आर, ठीक है कीजिए इसे। और इसके नीचे इसके इसमें सब हेडिंग डाल दीजिए, नियर द, फॉर ए पॉइंट नियर द अर्थ सरफेस, फॉर ए पॉइंट नियर द अर्थ सरफेस, फॉर ए पॉइंट नियर द अर्थ सरफेस।